देखिए राहुल जी, मैं आपकी भारत टीवी के माध्यम से सभी दर्शकों को, सभी माता बहनों को जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। सभी से मैं ये अनुरोध करना चाहता हूँ कि भारत टीवी के माध्यम से जो मैं आपको आध्यात्मिक चर्चा के लिए कह रहे हैं राहुल जी, तो मैं सबको यही कहना चाहता हूँ कि अपने धर्म के प्रति निष्ठा रखें, अपने धर्म के प्रति श्रद्धा रखें, अपने धर्म के प्रति विश्वास रखें। यही हमें हमारा सनातन धर्म सिखाता है, यही हमारे जो राम कृष्ण, मैं कहता हूं कि राम कृष्ण दो एक हैं, अंतर नहीं निवेश, इनके नैन चपल हैं, उनके नैन विशेष। तो राम और कृष्ण अलग नहीं है, राम और कृष्ण केवल एक हैं, एक हैं, एक है। ये बात हमारी समझने योग्य है राहुल जी। और मैं सभी माता बहनों को यही कहना चाहता हूँ कि राम में, कृष्ण में, हनुमान जी में, शंकर जी में, ब्रह्मा जी में, माता में कोई अंतर नहीं है, कोई भेद नहीं है। कभी कभार कई प्रश्न आते हैं कि कोई कहता है शंकर जी बड़े हैं, कोई कहता है हनुमान जी बड़े हैं, कोई कहता है राम जी बड़े हैं, कोई कहता है कृष्ण जी बड़े हैं। तो इसीलिए सनातन धर्म के जो खम्भ हैं वो राम कृष्ण है, और उनके प्रति हमारी श्रद्धा होनी चाहिए, उनके प्रति हमारा भाव होना चाहिए, उनके प्रति हमारा रुझान होना चाहिए, उनके प्रति हमारी श्रद्धा होनी चाहिए। आजकल कुछ चर्चा ऐसी आती है कि हम बुजुर्गों की सेवा नहीं करते। जब तक हम अपने माता पिता की सेवा नहीं करेंगे, भगवान हमारी सेवा से प्रसन्न नहीं होते। लोगों को देखा है कि बड़े बड़े भंडारे करते हैं महाराज, आज साधु सेवा है, आज ब्राह्मण सेवा है, और घर में माता पिता भूखे बैठे, तो क्या धर्म हमसे प्रसन्न होगा? क्या रामकृष्ण हमसे प्रसन्न होंगे? तो इसीलिए सर्वोपरि अपने बुजुर्गों की सेवा करें, ये हमारा सनातन धर्म है। संत हमें यही सिखाते हैं, विद्या हमें यही सिखाती है कि सर्वप्रथम माता पिता की सेवा करें। अगर हमारे माता पिता प्रसन्न हैं तो हमारे गुरु हमसे प्रसन्न हैं, हमारे भगवान हमसे प्रसन्न हैं। सनातन धर्म, हमारा जो धर्म है वो धर्म हमसे प्रसन्न है। और मैं तो इतना कहता हूँ, भारत टीवी के माध्यम से जो अपने माता पिता की सेवा करता है, अपने धर्म की सेवा करता है, उसने सर्व तीर्थों की, सर्व देवों का उसको फल प्राप्त होता है। तो इसीलिए मैं भारत टीवी के माध्यम से सभी माताएं, बहनें, भाई सबको यही हाथ जोड़ करके प्रार्थना करना चाहता हूँ कि अपने माता पिता के प्रति श्रद्धा रखें, अपने धर्म के प्रति श्रद्धा रखें, अपने भगवान के प्रति श्रद्धा रखें। सबसे मेरी यही कल्पना है। और राहुल जी बहुत अच्छा कार्य चला रहे हैं आप लोगों के लिए भारत टीवी के माध्यम से, कि आप लोगों को जन जन तक ये समाचार, आध्यात्मिक बात पहुंचाते हैं, आप सुनते हैं। ज़्यादा नहीं, हजारों आदमी सुनते होंगे, तो उसमें से दो आदमी का भी मन अपने आध्यात्म में लग गया, अपने सनातन धर्म में लग गया, अपने माता पिता की सेवा में लग गया, तो इनका भी कल्याण, हमारा भी कल्याण और उनका भी कल्याण, यही हमें सिखाता है। आजकल राहुल जी एक हमें बड़ी विशेष बात आती है कि हमने सुना है करोल बाग में 108 फुट की मूर्ति है, उसको उठाने के, उखाड़ने के ऑर्डर दे दिए। तो भाई ये हमारे धर्म के लिए बड़ा दुखित है
कि प्राचीन पद्धति के आधार से अगर उनको रखा गया है, उनको प्राण प्रतिष्ठित किया गया है, और हम सुन रहे, हम तो 20 साल हो गए दिल्ली में रहते रहते, उससे पहली वो मूर्ति वहां रखी हुई है, तो ये बड़े कष्ट की बात है सनातन धर्म के लिए, बड़े दुख की बात है सनातन धर्म के लिए। ऐसा कदाचित नहीं करना चाहिए, ये हमारा धर्म हमें ये नहीं सिखाता है। किसी कार्य को करो आध्यात्म के प्रति करो, किसी को कष्ट नहीं होना चाहिए, किसी की आत्मा को, किसी की भाव को ठेस पहुंचाना हमारा कर्तव्य नहीं है, ये हमारा सनातन धर्म कदाचित नहीं कहता है। इसीलिए बस आज मैं आध्यात्म भारत टीवी के माध्यम से आध्यात्म चर्चा को यहीं विराम देता हूँ। जय श्री कृष्ण और जय श्री राधे।